गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो मैं हूं तो सर्वसन सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मानिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइसोफाइट्स के बारे में और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2.6। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स जो है इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? इसमें आएंगे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स? डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी आएंगे इसके अंदर। तो ये दोनों को कंसिस्ट करके हमारा क्या बना है? क्राइसोफाइट्स बना है। और इनका फाउंडिंग प्लेस का क्या है? ये कहाँ पे फाउंड होते हैं? ये फाउंड होते हैं फ्रेश वाटर रीजियन में और कहाँ पे? मैराइन एनवायरमेंट में। ये मैराइन एनवायरमेंट और फ्रेश वाटर रीजियन में फाउंड होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या है? माइक्रोस्कोपी है। कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक हैं। इनको हम नेकेड आई में कभी भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप यूज करके ही हम इसको देख सकते हैं। हो गया, इतना दूर तक क्लियर है बात। उसके बाद देखते हैं पैसिवली इन वाटर। तो ये फाउंड कहाँ पे होते हैं? ये ज़्यादातर फाउंड होते हैं कहाँ पे? वाटर में ही फाउंड होते हैं। और क्या है? मोस्ट ऑफ देम, इनमें से बहुत सारे लोग क्या हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? फोटोसिंथेटिक हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका क्या है? फोटोसिंथेटिक है। इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे डाइएटम्स का सिर्फ देखेंगे आगे नोट। तो अभी हम देखते हैं डाइएटम्स के बारे में। डाइएटम्स का सेल वॉल कैसा होता है? डाइएटम्स का सेल वॉल होता है दो ठो थीन, क्या है? थीन सेल से, थीन ओवरलैपिंग सेल से बना हुआ होता है। दो ठो थीन ओवरलैपिंग सेल ऐसे ज्वाइन होके वो बना होता है। और वो क्या होता है? उसका फीचर क्या होता है? ये इनडेस्ट्रक्टिबल होता है। उसको हम इजीली क्या नहीं कर सकते? तोड़ नहीं सकते। और क्या होता है? वो जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? एक सोप बॉक्स की तरह होता है। यहाँ पे से ही हमें पता चल जा रहा है कि दो ठो ओवरलैपिंग सेल्स, अगर ऐसे थीन ओवरलैपिंग सेल्स रहेगा तो ऐसे सोप बॉक्स की तरह ही होगा। और अभी नीचे देखते हैं हम, डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। तो डायटम्स का जब मौत हो जाता है, जब उनका क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है, तो उनका जो ये सेल वॉल होता है ये क्या होता है? नीचे आ करके क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। और वो डिपॉजिट होके बहुत बड़ा बन जाता है। एक ईयर में पकड़ लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डाइएटोमेसियस अर्थ बोलते हैं उसको। वो जो उनका सेल वॉल डिपॉजिट होके जो बड़ा बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? डाइएटोमेसियस अर्थ बोलते हैं। और वो जो डाइएटोमेसियस अर्थ होता है उसके वजह से हम कौन सा काम कर पाते हैं? पॉलिशिंग कर पाते हैं और फिल्ट्रेशन कर पाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो सेल वॉल का जो बड़ा लेयर होता है वो कैसे होता है? क्या होता है? ग्रीटी होता है, ग्रीटी इन नेचर होता है। तो ग्रीटी इन नेचर जो होता है वो, उसका मतलब क्या है? बालू या फिर रेत के जैसा जो पूरा वो रफ जैसे, वैसे ये होता है। तो इसके वजह से हम क्या कर पाते हैं? पॉलिशिंग कर पाते हैं और फिल्ट्रेशन कर पाते हैं। किसका? ऑयल और सिरप का। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं डाइएटम्स का लास्ट 2 पॉइंट। तो इनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल कहाँ, किस में एम्बेडेड होता है? सेल वॉल सिलिका लेयर से एम्बेडेड होता है। और क्या होता है? ये डाइएटम्स जो होता है ये क्या है? ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन है। ओशन का चीफ प्रोड्यूसर ये है क्या? डाइएटम्स। तो इसमें हमारा आज का लेक्चर होता है एंड हमारा आगे का लेक्चर आता रहेगा, आप लोग देखते रहना। और मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल में जो न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब के लिए बाय बाय।